होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को 24 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य को दिखाते हुए युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध में देश के सपूत और सागर के लाल कालीचरण तिवारी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनकी यूनिट के अधिकारी बताते हैं कि महज 22 साल की उम्र में जान न्योछावर करने वाले शहीद कालीचरण तिवारी कारगिल युद्ध में अपने मोर्चे पर डटे रहे। अचानक उनकी यूनिट पर गोलीबारी शुरू हो गई। वे लगातार दुश्मनों पर गोलियां दागते रहे, जिसके कारण दुश्मन यूनिट पर हावी नहीं हो सके, लेकिन इस मुठभेड़ में लांस नायक कालीचरण शहीद हो गए। शहीद कालीचरण का जन्म 28 अगस्त 1976 को हुआ था। परिवार में 4 भाई और 2 बहनें थीं। कालीचरण का बचपन से ही फौजी बनने का सपना था, जिसके चलते 26 अप्रैल 1996 में महज 19 साल की उम्र में वे सेना में भर्ती हुए थे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे बताते हैं कि बॉर्डर पर युद्ध से पहले कालीचरण छुट्टी पर आए हुए थे, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ही अपने यूनिट के अधिकारियों को फोन लगाकर छुट्टी कैंसिल करा दी थी। 1999 में उनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई। युद्ध में कालीचरण को दुश्मनों से लड़ते हुए सीने में दाहिनी तरफ 3 गोलियां लगीं, लेकिन इसके बाद भी मातृभूमि की रक्षा और तिरंगे के सम्मान में आज तक नहीं आने दी। कारगिल विजय दिवस पर भारत माता के सच्चे सपूत कालीचरण तिवारी को सागर टीवी न्यूज बार बार नमन करता है। पर उसको भारत माँ ने जो भी सपन दिया हो, टेलीफोन बूथ पर जो कि मैं बैठा था बाजू में, वो आया, मैंने उससे कहा कालीचरण कैसे हो, बढ़िया। कहले भाई साहब, बस यूनिट वापस जाना है और भारत माता की सेवा करना है। और उसने अपने यूनिट को हेड को फोन लगाया कि हमारी छुट्टी कैंसिल कर दो। संस्मरण से लिए बहुत ही यादगार है कि उसने, युवा ने, लोग छुट्टी मांगते हैं घर जाने को, उसने फौज में वापस जाने के लिए अपनी ड्यूटी पर और युद्ध में लड़कर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए छुट्टी कैंसिल की। ये बहुत बड़ा संस्मरण है मेरे जीवन में। मैंने सुना और मैंने उससे कहा भी कि जो छुट्टी कैंसिल करा रहे यार, लोग तो घर आराम करने आते हैं। कहले नहीं भाई, भाई साहब कहले मुझे जाना है और पाकिस्तानियों को जने जमवाना है। ये एक बात बड़ी बात है, नौजवान के सीने में भारत माता की सेवा करने का जज्बा। और उसके बाद उसको जब सीने में गोली लगी तो यूनिट के लोग बताते हैं कि युद्ध में सच्चा वीर सपूत वही शहीद माना जाता है जिसके पोस्टमार्टम के बाद छाती में, सीने में गोलियां निकले, क्योंकि फ्रंट में जब वो लड़ता है तो सामने से गोली लगती है, पीठ पे गोली नहीं लगती, भागती हुई उसने गोली नहीं खाई। शहीद जब होगा तो उसने 10 लोगों को मारा और खुद से जीत लिया। ये जज्बे की बात। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।